आंटी जी बोलती कि गणपति बप्पा के बारे में कि ये जो मेरा व्लॉग है वो गणपति बप्पा के बारे में ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे व्लॉग में जो है आज गणपति जी का नाम जो है वो बार बार जो है वो लिया जा रहा है। तो डोम कही कि डोम औरत मैं तेरे को बोलूँगी, क्योंकि ना तो हिंदू की है ना मुसलमान की है। दूसरों की रिलीजन के को रेस्पेक्ट करने से पहले, दूसरों के रिलीजन के फेस्टिवल्स को बधाई देने से पहले तू अपने रिलीजन को तो रेस्पेक्ट कर ले, पहले खुद के रिलीजन का हो जा। जो खुद के रिलीजन का नहीं हुई वो दूसरों के रिलीजन को रेस्पेक्ट देने चली, बधाइयाँ देने चली। जो इस मुसलमान खुद को कहती तो है लेकिन मुसलमान का कोई भी रूल्स और रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करती है, तो किसी भी रिलीजन की नहीं हो सकती, क्योंकि तो खुद के रिलीजन की नहीं है। जो खुद का नहीं हो सकता ना, जैसे कि खुद के घर वालों का, खुद के बच्चों का, खुद के रिश्तेदारों का, खुद के पति का, वो किसी का क्या ही होगा। और हर वक्त जो है सिर्फ अमीन के लिए, खुद के लिए ही शॉपिंग करती है, अलग से सिर्फ काम लेती, सिर्फ काम करवाती, शॉपिंग कुछ भी नहीं करती, अलग के लिए कुछ भी नहीं लेती, बस उसके बर्थडे के टाइम आए तो एक जो जोड़ी कपड़े जो है वो दिला देती है। और आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, बेशरम औरत, मेरे भी पेट का एक बेटा है भाई, कल को वो भी जवान होगा, तो जवान और बेटों की माँ है वो, उसको ये भी नहीं पता कि जवान बेटों के साथ कैसे रहा जाता है। आप लोगों ने कल की व्लॉग में देखा होगा जब अली जो है उसको मोज़ा पहना रहा था, एंकल लेंथ को वो एंकर बोलती है, चलो उसकी इंग्लिश की तो इंग्लिश की उसने तो हर रोज़ माँ बहन करती है, पता नहीं अंग्रेज़ों ने उसकी माँ को शायद इस्तेमाल करके शायद बिस्तर गर्म करके छोड़ दिया होगा उसकी माँ नानी को, इसलिए वो इंग्लिश की माँ बहन करती है। एनीवेज जब अली उसको जब मोज़ा पहना रहा था, आप ध्यान से देखना उसका पैर कहाँ पर था, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, कभी होठों पे चुमियाँ लेती है तो कभी पैर ऐसी जगह पर रखती है जहाँ पर रखना गुनाह है, उसको ये भी नहीं पता कि जवान बेटों की माँ है। ठीक है, हम उसको गंदा लिंकअप नहीं कर रहे, बेटे के साथ माँ का रिश्ता नहीं जोड़े, लेकिन कम से कम ये ध्यान में रखना चाहिए जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप से बच्चों की, जवान बच्चों की दूरियाँ कितनी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ये तो सबको पता ही होता है, ये बेसिक सी चीज़ है, ये मुझे बोलने की शायद ज़रूरत नहीं। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत सारे यहाँ पर जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं वो माँ बाप होंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें पता है कि जवान, देखो फ्री होना अलग बात है, बड़े बच्चों को भी माँ बाप लाल प्यार करते हैं, उसका भी एक अलग तरीका होता है। छोटे बच्चों को जिस तरीके से लाल प्यार करते हैं, अभी अभी मैं इब्बू को सुसु करवाती हूँ, इब्बू दिन भर डायपर नहीं पहनते, सिर्फ सोते टाइम दोपहर को एक, रात को एक, दिन में दो, बस खत्म हो गए, ठीक है। हर एक घंटे में या फिर जब भी वो बोलता है सुसु, उसको हम लेके जाते हैं बाथरूम में, उसको खुद हम चड्डी उतार के उसको सुसु करवाते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि वो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ हम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तब बोलते हैं ना कि जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उसका जो होता है ना कि जब उसका देखभाल करने का मेन जो जिम्मेदारी औरतों को दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माँ और बहन नहीं कर सकती, तो उसको ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि जवान बेटों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। बेशरम औरत फिर बोलेगी हेटर्स हेटर्स हेटर्स, कारण वो खुद करती है, ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी वो खुद क्रिएट करेगी ताकि लोग आके उसको दिखे, हर व्लॉग में वो कुछ ना कुछ ऐसे करेगी ताकि लोग आके उसको दिखे। बोलती है कि मैं तो गर्म चीज़ें कुछ नहीं खाती हूँ, फिर मसाला कुछ भी नहीं खाती हूँ, 50 साल की उम्र है मेरी, अरे कुछ तो शर्म कर ले बुढ़ी। इतना झूठ बोलने से पहले एक ही व्लॉग में तो दो दो चेहरा दिखाती है, दो दो चेहरा दिखाती है। पहले बोलती है कि मैं तो गर्म कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, मच्छी भी मच्छी खाती है वो, इतना ज़्यादा ज़्यादा भर भर के तीन लोग हैं लेकिन इतना भर भर के वो मच्छी खाती है, तला हुआ मच्छी, सालन का मच्छी, इसका मच्छी, उसका मच्छी, मच्छी गर्म नहीं, आप लोग बताओ मच्छी, मैं बंगाली औरत हूँ, मैं मच्छी खाने वाली औरत हूँ मैं, ठीक है। मुझे भी अभी मैं कभी कभी मच्छी खाती हूँ तो मेरे को इतनी हद तक गर्मी लगती है, इस हद तक गर्मी लगती है। बीच में मैंने एक दिन मच्छी खाया था, हाँ महीना भर पहले जब पूरा गर्मी था, मैं पागल हो गई थी गर्मी के मारे, मैंने शाम से लेकर रात तक मैंने दो बार नहाई, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। मच्छी गर्म नहीं बोलती, मच्छी नहीं खाती, मसाला नहीं खाती, आधा आधा लीटर तेल में पोहा बनाती, उपमा बनाती, सब्जी बनाती, बना के खाती, वो मसाला नहीं खाती है, इतना भर भर के वो मसाला डालती है। फिर कल की व्लॉग की बात है, बोल रही थी व्लॉग में, पहले बोली कि मैं मसाला नहीं खाती हूँ, गर्म कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, 50 साल मेरी उम्र है, आधा उसी मतलब 15-20 मिनट के व्लॉग में दो तीन मिनट बाद या 5 मिनट बाद बोलती है कि दोपहर को लंच करिए, कुछ लाइट खाएगी, फिर जाके लोडेड वाला जो होता है ना, लोडेड वाला चीज़ वाला पिज़्ज़ा खा रही और पास्ता खा रही वो, ये उसका लाइट खाना है। अगर ये उसका लाइट खाना है तो हैवी वेट खाना उसका कैसा हो सकता है, आधा आधा लीटर तेल वाला और किलो किलो वाला मसाला वाला, अरे कुछ तो शर्म कर। एक कहावत है जो मैंने सुना था कि सच्चाई की मूरत,
हिंदुओं में ना एक कहावत है, पहले हम बतवाई, मतलब ये बात हम पहले ज़्यादा बोलते थे कि सच्चाई की मूर्त, मैं आज बोलती हूँ वही कहावत तेरे ऊपर उल्टा करके बोलना चाहिए कि तू तो झूठ की मूर्त है। अगर झूठ और फरेबी की कोई शक्ल होती ना तो वो तेरी तरह बिल्कुल दिख, तो तेरी तरह दिखती। इसका दोगलापन एक ही ब्लॉग में दो हिस्सों में, उसका पहले वो झूठ बोलेगी, फिर उसका झूठ जो है थोड़ी देर बाद ही पकड़ा जाता है। फिर जब हम वो चीज़ पकड़ के बोलते हैं तो हम हेटर्स हैं, तो भाई तुमको अगर इतनी हेटर्स से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया बंद कर। तो बोलती है कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी जो है वो फेक है, ऐसा है वैसा है, मैं अभी सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जी रही थी तो इन लोगों से दूर हो गए थे। कहाँ है तेरे दोस्त जो नीचे गई गणपति बप्पा का वेलकम करने, तेरे दोस्त तो कोई दिखा नहीं, सिर्फ बोबला ही तेरे को दिखा। और भाई सोशल मीडिया से अगर तुमको इतनी तकलीफ है तो अकाउंट बंद कर दो ना भाई, क्यों चला रही है, चैनल बंद कर दो, वीडियोज़ नहीं डाल, दो दो तीन तीन चैनल तो खोल के बैठी है, एक ही घर में तीन चार चैनल तुम लोग का चला है, बुड्ढे का है, एक बोबले का है, एक तेरा दो, तो क्यों खोल के बैठो भाई। सोशल मीडिया की ज़िंदगी अगर तुम लोग को पसंद नहीं, सारे चैनल बंद कर दो और वीडियो डालती है ना। अगर तेरे को पैसों से लेना देना नहीं है तो हम यूट्यूबर के पास होता है ऐड ऑन करने का या फिर ऐड ऑफ करने का ऑप्शन आता है। मोनेटाइजेशन ऑन करोगे तो तुमको ऐड में से पैसा मिलेगा, ऐड आएगा, और मोनेटाइजेशन ऑफ कर दोगे तो तुम्हारे इसमें ऐड भी नहीं आएगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। तो मोनेटाइजेशन बटन ऑफ ही कर देना, तेरे को अगर पैसों की ज़रूरत नहीं तो ऐसी वीडियोज़ डाल दी है तो मोनेटाइजेशन बटन ऑफ करके ही वीडियो डाल, है ना। और अगर तेरे को इतनी सोशल मीडिया से दिक्कत है, सोशल मीडिया से ही कमा के खा लिए, तो भाई चैनल एडिट कर दे, इतनी दिक्कत है तो चैनल डिलीट कर दो ना भाई, काय को रखियो। हम तो तुम्हारे हाथ पर जोड़ के नहीं बोल रहे कि भाई चैनल रखो, वीडियोस डालो, वीडियोस डालो, तू ही अपनी कमाई के लिए डाल रही है ना। सबसे बड़ी तो डॉलर की लालची तू है, सबसे ज़्यादा डॉलर का तो तेरे को ही पड़ा है। और इतनी बकवास करती है भाई, तो पहले ये तो बता कि 15 लाख का जो मैटर है, 15 लाख की बात तूने की है, तूने सेटलमेंट किया है, तो 15 लाख का सेटलमेंट अगर किया है तो 15 लाख का सेटलमेंट देना भाई। और अगर तू नहीं दे रही तो बुड्ढे को बोल देने के लिए, कौन देगा ये तो पता, तू देगी या बुड्ढा देगा। तेरे बातों से तो लग नहीं रहा है कि तू देगी, इसका मतलब बुड्ढा ही देगा, या इसका मतलब ये है कि इस बार भी तुम लोग 15 लाख देने के चक्कर में नहीं, क्योंकि तूने लेने के लिए से दिए, देने के लिए से तो लिया ही नहीं, तो देने के लिए से लिया नहीं तो तू तो देगी कहाँ से। क्योंकि इतना सब कुछ बहसबाजी हो रहा है, इतना सब कुछ फालतू की बकवासें बस करती जाती है हर ब्लॉग में। अरे 15 लाख का सेटलमेंट किया है, गिर गिरा के माफ़ी मांगा है, इमरान भाई का भी हाथ पकड़ के माफ़ी मांगा है, रिहाना आंटी को भी माफ़ी मांगा, रिहाना आंटी को बोला मेरे को गाड़ी तक छोड़ दे, मेरे को मारेंगे लोग, इतना सब कुछ बोल के। जिस औरत का तूने 15 लाख खाई, जिस औरत पे तूने इतनी तोहमतें लगाई, इतनी गंदी गंदी बातें बोली उसकी बेटियों पे, उस पर उसके दामाद की रिकॉर्डिंग तक चलाई, जब तेरे को मार खाने की बारी आई तो कैसे रिहाना आंटी का पैर पकड़ के बोल रही कि मेरे को गाड़ी तक छोड़ दे। चलो ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तू तो शर्मिंदा होती तो उसका पैसा दे देती, सब कुछ कर रही है, ज्वेलरी खरीद रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, 15 लाख देने का नाम नहीं है, सेटलमेंट करके आ गया, लेकिन सेटलमेंट का पैसा अभी तक नहीं दिया है कि नहीं है। तो भाई तूने नहीं दिया तो तेरे जो है ना वो कबारी बुड्ढा का ही बोल, वो निब्बा महबूद को ही बोलना पैसे देने के लिए। 15 लाख की बात जब आती है तब पूरा मैटर तो घुमा देती है, तो एकदम से खामोश हो जाती है, क्योंकि तेरे को तो देना ही नहीं है, तूने देने के लिए से तो लिया ही नहीं था। और बोलती है कि चेहरे पर ड्राइनेस आ गई है, चेहरे पे ड्राइनेस आ गई है, खाने पीने का दिल नहीं करता, अपने दोस्त को बोल रही थी खाने पीने का दिल नहीं करता, सवेरे उठ के अंडा वाला सैंडविच खाई, ठीक है, अंडा वाला सैंडविच और चाय पी, दोपहर को फिर क्या वो लोडेड चीज़ वाला पिज्ज़ा खाई, पास्ता खाई, पनीर वाला वो खाई, फिर शाम को फिर से चाय वगैरह और तक क्या कुकीज़ वगैरह खाई, फिर रात को फिर से खाना, बीच में तो फ्रूट्स भी खाई। और तू बोलती है कि तेरे को खाने पीने का दिल नहीं करता, अरे भाई तेरे को अगर खाने पीने का दिल नहीं करता, ये जो तू खा रही है वो क्या खा रही है, फिर गो खा रही है क्या, ये क्या खा रही, तो खाने पीने का दिल नहीं करता तो बीच बीच में जो तू ये खा रही गो खा रही है क्या, ये तो मुझे पता, चेहरे पर ड्राइनेस, अरे अल्लाह बुढ़ी औरत तेरे शक्ल पर ड्राइनेस नहीं है, ये अल्लाह की लानत भरी स्त्री है, तो फ्रूट्स खा ले या फिर तो कुछ भी पी ले या फिर मुँह पर तो कुछ भी कर ले, तेरे जो अल्लाह की लानत जो तेरे शक्ल पर बरस रही है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला बुढ़ी। अनवा अनवा के रात दिन तो खाती रहती है, ठूसती रहती है, एक ब्लॉग में 4-5 बार 6 बार तो खाने का ही दिखाती है, एक ब्लॉग में 4-5-6 बार तो अनवा अनवा के खाने का ही दिखाती है। तू लोडेड चीज़ वाला ये खाती है, आधा आधा लीटर तेल वाला तो पोहा उपमा खा ले रही, फिर सालन भी आधा आधा लीटर तेल वाला खा ले रही, दो दो दिन, एक दिन सालन बनाती, दो दो दिन रख के खाती, पूरा हफ्ता बाहर का खाती, ये तेरा डाइट वाला खाना है, तो तू ऐसे ही खाएगी तो तेरे को तो बीमारी तो होनी है। शुक्र मान के अभी तक तेरे को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं हुई, तब का तो तेरे को हार्ट अटैक आ जाता था,
ते तू जैसे खाना खाती है ना, एक अच्छे खाते भी तो घर के लोग भी ऐसे खाना नहीं खाते, ऐसे खाने की चीज़ों से वो लोग अवॉइड करते, क्योंकि पता है कि खाना तो खा लेंगे फिर बाद में हजम करने को मुश्किल हो जाएगी और कई सारी बीमारी हो जाएगी, वो अलग बात है। तो बोलते दिल नहीं करता खाने को, तो अगर दिल नहीं करता तो वो ये जो दिन भर तो खाना दिखाती वो क्या गू ठूसती रहती है, क्या मेरे ख्याल से तो गू ठूसती रहती है। डोम औरत कही पिज़्ज़ा खा रही, बोलती कि मैं तो शूट करने ही भूल गई थी, हम लोगों ने खाना खा लिया। पिज़्ज़ा आती तो सबसे पहले रील बना के इंस्टाग्राम पर डाली। झूठी औरत कितना झूठ बोलेगी, कुछ तो शर्म कर ले। पिज़्ज़ा और पास्ता मिलते ही सबसे पहले रील बना के इंस्टा पे डाली उसने परसों, सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं पिज़्ज़ा पास्ता जो अनवा अनवा के खा रही हूँ। और फिर बोलती है कि मैं तो शूट करने ही भूल गई। अब कितना शूट करती या फिर खाने पे भी तो कम से कम तरस का खाने के, जब इंसान खाता है ना तो ऊपर वाले का नाम लेके शुक्रगुजार होकर खाना खाता। इधर इंस्टाग्राम पे भी डाल ली, इधर यूट्यूब पे भी डाल ली, तो मेरे को तो ये इधर ये बोलती कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी नकली है, और इधर सोशल मीडिया के लिए ही जीती, जो भी करती सोशल मीडिया में ही डालती। ज़िंदगी में तो प्राइवेसी नाम की कुछ रही नहीं, तेरी लाइफ में तो प्राइवेसी नाम का कुछ है ही नहीं, जो भी करती बस सोशल मीडिया के लिए करती। अब तो सोशल मीडिया के लिए सब कुछ करती, सब कुछ दिखाती, पब्लिक अगर अपना ओपिनियन रखे अभी तो क्या हेटर्स है, ये बोलते हैं मुझे बदनाम। बदनाम किसी को कोई नहीं कर सकता, किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। हमारे ऊपर भी बहुत कुछ बोला गया। एक टाइम थे जब मैं सम्मू की जो है ना धजिया उड़ा रही थी, तो सम्मू ने खड़ा किया था, वो भी इंडिया की नहीं पाकिस्तान की खड़ा किया था। उससे तो मेरे को कुछ नहीं बोला, मैं क्या कोठे से भाग के आई, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, लेकिन वही मैं आज भी सोशल मीडिया में हूँ और इज्जत के साथ सोशल मीडिया में हूँ। जब लोग मुझे कमेंट करते तो इज्जत के साथ ही कमेंट करते हैं, और जो लोग बना के बोल रहे थे ना झूठ मेरे बारे में, वो तो हवा हो गया, गायब हो गए। आज वही मैं अपने पति के साथ, मेरे दो बच्चों के साथ इज्जत से आज भी हूँ। इतने महीने हो गए, साल भर होने को है, मैं इज्जत से ही हूँ। मैं मुंह छुपा के नहीं भागी, क्योंकि करने ही तो डर नहीं, अगर तुमने किया नहीं है ना तो तुमको डर भी नहीं होना चाहिए। कुत्ते जो है ना भूखेंगे ही, अगर हम सही है ना तो दुनिया कुछ भी बोले, हम सही है तो हम सही रहेंगे। लेकिन तू अगर करती है ऐसे नंगे चाली, एक ही ब्लॉग में दो दो वर्डिक्ट तू देती है, झूठ बोलती है, सेम ब्लॉग में तेरा झूठ पकड़ा जाता है। मियाँ बीवी का झगड़ा हो या फिर किसी को जो है छूना लगाना हो, हर चीज़ तो तेरा सोशल मीडिया में है, तो लोग बोलेंगे क्यों नहीं। ज़िंदगी है सोशल मीडिया में, हम भी ब्लॉगर हैं, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, हम भी हमारी लाइफ का हिस्सा दिखाते हैं। दैट डजंट मीन कि पूरा ही खोल के रख दे। हर एक चीज़ का ना एक लिमिटेशन होता है, एक बाउंड्रीज होती है जो हमको सेट करना पड़ता है, एक दायरा होता है जो हमको सेट करना पड़ता है कि हमारे लाइफ के ये जो हिस्से हैं वो हमारे सोशल मीडिया के लिए खुला है। मैं और मेरे पति का जब भी झगड़ा होता है, हम तो यंग कपल हैं, हम तो दो रिलीजन के हैं भाई, दो रिलीजन के, हिंदू व मुसलमान। मेरा खाना तो आप लोग देखते हो कम मसाले वाला, फिक्का वाला, उसका स्पाइसी खाना होता है। हम तो दो 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 मतलब कि क्या बोलूँ, दो नदी के दो पार हैं। हम चल रहे हैं साथ में, दो बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, दोनों बच्चों को एक अच्छी खासी ज़िंदगी दे रहे हैं। हमारे बीच में झगड़ा नहीं होता क्या? होता है हमारे बीच में झगड़ा, लेकिन हम सोशल मीडिया में आके लेके नहीं बढ़ते। हमारे बीच में भी रोमांस होता है, बिना रोमांस को तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते ना। रोमांस किया होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा, और हमारा तो इतनी उम्र भी नहीं कि बाल सफ़ेद हो गए, इधर के बाल उधर के बाल हर जगह के बाल सफ़ेद हो गए। हमारा तो रोमांस करने की ही दिन है भाई, हमारा रोमांस ख़त्म होता होता 10-15 साल है। हम भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कैमरा के सामने रोमांस चालू कर दें। हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, एक लिमिटेशंस होती है। तूने सोशल मीडिया को ही अपनी ज़िंदगी बना ली, और इधर बोलती है कि सोशल मीडिया की ज़िंदगी फेक है। दैट मीन्स तू जो कर रही थी इतने दिन तक, तू फेक ही कर रही थी। ये तो इंडिया की बोल रही है ना कि जो तू कर रही थी फेक कर रही थी। और कहाँ गया सूरत वाली फैमिली, कहाँ गया तेरा बुड्ढा, आ क्यों नहीं रहा है? बोल ना 15 लाख तेरे बुड्ढे को देने के लिए, बोल। तेरा सर का ताज, तेरा हैंडसम हस्बैंड तेरे को इतना प्यार करता, अभी तो कमा रहा है ना, तू तो अपने कमाई जो अनवा अनवा के खा के तो ख़त्म कर दे रही, बोल तेरे पति को देने के लिए। ये आज इंस्टाग्राम पे एक रील डाली प्रमोशन का, फेस वॉश का, ठीक है। इससे पहले भी उसने डाला था, और वही जो ना फेस वॉश को लेके मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि मैं भीम बार से मुँह घिसती हूँ, आज फिर से उसका उसने प्रमोशन किया। बोलते कि सवेरे सवेरे उठ के मुँह फेस करना चाहिए, ये सबको पता है, तो हमको क्या सिखाई, ऐड कर रही है ना, प्रमोशन करिए, कुछ तो नया कर, कुछ तो क्रिएटिविटी ला। और ऊपर से बोलते हैं कि आप पहले मुंह गीला करो, फिर फेस वॉश लगाओ, फिर हल्के हाथों से मसाज करो, फिर धो लो, स्मूदी हो जाएगा स्किन। स्मूदी नहीं होता है वो, स्मूदनिंग होता है।
ठीक है। स्मूदी तो जो है पीने वाला चीज़ों का नाम होता है स्मूदी, इंग्लिश तो तुझे आती नहीं है लेकिन इंग्लिश की माँ बहन पढ़ती थी। और रहा सवाल तू जो फेस वॉश यूज़ करती है वो यूज़ करने का, भाई हम साबुन से मुँह धो के भी हमारा बहुत अच्छा है, और तू जो फेस वॉश यूज़ करते है ना वो अगर वो जो फेस वॉश वाली है ना हमको फ्री में भी दे देना, वो भी हमने लगाई, तेरे शक्ल से जो लानत बरस रही है और तेरी जो शक्ल में जो पिगमेंटेशन दाग धब्बे गड्ढे मड्ढे जो भी है ना तेरे शक्ल में, ऐसी शक्ल तो हमको होना ही नहीं है। तो तेरे मुझे नहीं लगता कि मुझे तो ये समझ नहीं आते कौन से बेवकूफ़ लोग होंगे जो तेरे से प्रमोशन करवाते हैं, जिसकी मार्केट में इतनी इज्जत ख़राब है, जिसकी मार्केट में इतनी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, और जिसका खुद का स्किन, अरे प्रमोशन करवाना है तो किसी ऐसे इंसान से करवाओ जिसका फ्लॉलेस स्किन हो, जिसका फ्लॉलेस स्किन हो और स्किन हो, और इसका स्किन का जो कलर है ना वो ब्राइट हो। एक तो ये काली कलौटी काली में है ना, ऊपर से उसकी शक्ल पे इतने दाग धब्बे, ऊपर से अल्लाह की नानत तो इतनी बरस रही, ऊपर से पिंपल, और बुढ़ी औरत इससे प्रमोशन करवा रहे, सोचो तो इसका बिकेगा क्या? ये ऐसे लोग भी पागल ही होते हैं ना, ऐड करवा रही है प्रमोशन, मतलब ऐड करवा रही है तो अपना इंडायरेक्टली ऐड ही करवा रही है उस सेलिब्रिटी से। तो तू कोई ऐसा सेलिब्रिटी पकड़ ना जिसका प्रमोशन देख के लोग खरीदने का मन हो, अरे जिसका खुद का स्किन को बार बार जाके ऐसे घिस घिस कर ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा, वो फेस वॉश का प्रमोशन करवा रही, तो कौन लेगा भाई? और ऊपर से ऊपर उसको मालूम है, उसको मालूम है उसकी मार्केट में जो है ना सोशल मीडिया के मार्केट में उसकी इज्जत कितनी अच्छी है, वो जितनी भी प्रमोशन करती ना कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती। गांडों की गांड में दम ही नहीं है कि कमेंट बॉक्स ऑन रख लेंगे, क्योंकि उसको मालूम है, वो गांडों को मालूम है कि मैं कमेंट बॉक्स ऑन रखूँगा तो मेरी माँ को जो है गधजिया उड़ा देंगे, गाली देंगे। उसको मालूम है कि मैं ये फेस वॉश का प्रमोशन कर रही हूँ, लोग तो बोलेंगे अल्लाह के नानत बरस रहे, ये वो मेरे स्किन का मजाक उड़ाएंगे, तो इससे अच्छा कमेंट बॉक्स ऑन कर दो। दूसरे को बोलती गांडों गांड में दम नहीं है कमेंट बॉक्स ऑन रखने का, क्योंकि तुझे मालूम है तेरी माँ की क्या है इज्जत क्या नहीं है सोशल मीडिया में, फेस वॉश का प्रमोशन कर रही तू। व्लॉग का स्टार्टिंग में बोलती कि आज मंडे इसलिए आज गुड मॉर्निंग, क्यों भाई चूतिया औरत? मंडे के दिन ही सिर्फ मॉर्निंग गुड होता है क्या? बाकी हर दिन के दिन नहीं होता है क्या? या फिर उसकी मॉर्निंग गुड नहीं होती? कुछ भी बकवास करती है, मतलब मुँह दिया ऊपर वाले ने हाथ में कैमरा तो कुछ भी बोल लो, अब कॉन्टेंट तो रहा नहीं कुछ, कॉन्टेंट के नाम पर तो जीरो जीरो है, तो बकवास करना ही है। अभी पीनू मेरी शहजादी होगी, जैसे ही बुड्ढा आया ना पीनू भी लावारिस को जो है ना स्ट्रे कैट बन जाएगी, वो सड़क की जो है ना वो क्या बोलते हैं सड़क की बिल्ली को क्या बोलते हैं घरेलू बिल्ली, जो ना सड़कों में पाए मतलब घूमती रहती है वही बन जाएगी, तो पीनू को पूछेगी भी नहीं, कभी उधर दे देगी तो कभी उधर दे देगी। अब बुड्ढा नहीं है ना, कॉन्टेंट चाहिए तो मेरी शहजादी मेरी बेटी यहाँ पर सो जाती है वहाँ पर सो जाती है हर जगह सो जाती है, जब बुड्ढा आएगा तो उसके साथ सो जाती है और उसके साथ ही सो जाने में बिजी रहती, कभी इधर मुझरा करती उधर कभी उधर मुझरा करती, तेरा बस तो बुड्ढे को गोद में कूद के छलांग मार के उड़ जाए, लेकिन बुड्ढे की इतनी औकात नहीं है ना कि तेरे एक एकड़ में फैला हुआ पिछवाड़ा और तेरा आधा एकड़ में फैला हुआ अगवारा को उठा सके अपने हाथ से, लेकिन तेरा बच्चे तो तू वो भी कर ले, और अभी तो बुड्ढे का जो घरवाले है वो भी तेरे को भाव नहीं दे रही, इसीलिए तो तेरी चोरी कल फिर से पकड़ी गई परसों के व्लॉग में कि बेटियाँ ही 15 दिन हो गए अमली नहीं तुझे पता ही नहीं है। इससे पता चलता है ना कि पति से पति के घर वालों से क्या बात होती क्या बात नहीं होती, हम अगर सास से बात ना भी करें लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमको सब मालूम होता है, क्यों? क्योंकि हम पति के साथ रहते हैं ना, पति को पता होता तो हमको बता देते, भले हम नहीं जाते, मैं नहीं जाती हूँ, वो मुझे बोलता भी है कि चलो चलो, मैं नहीं जाती हूँ, बेटे को भी बहुत कम भेजती हूँ, ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, और तुझे तो रिश्तों के लिए तो पागल होती है, हमको मिलता है लेकिन हम जाते नहीं क्योंकि ऐसे रिश्तों की हमको ज़रूरत नहीं जो रिश्ते मुसीबत में काम ना है, लेकिन तेरे को मिल नहीं रहा है, लावारिसों की तरह कभी इधर कभी उधर घूम रही है। एनीवेज आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करते, फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ मियां देखिए दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि शायद मेरे से कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं तो आप लोग मुझे बताते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रहा सवाल कुछ होते एक कदम का कुत्ते होते जो भोंकते, भोंकने तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बात उनमें उनकी ही होती जिनमें कोई बात हो रही है, और लोग अगर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे हैं तो करने दो, अपन तो भाई यही है भाई अनस्टॉपेबल, कोई बनाए या ना बनाए शिला बाई के ऊपर हम तो बना रहे हैं अनस्टॉपेबल है, और गिवअप करना तो अपने माँ ने कभी सिखाया ही नहीं है। और रहा सवाल ऐसे कुत्तों का, मैं भाई गिनती में भी नहीं लेती हूँ, हाँ भाई मैं हूँ भिखारी, मेरे बच्चों को जब ज़रूरत होती है मैं लोगों से भीख मांगती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, माँ हो भाई बच्चों को हर सहूलियत देने के लिए किसी मदद मांगनी पड़े किसी से उधार लेना पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात है नहीं, माँ हूँ, माँ अपने बच्चों के लिए अपनी गर्दन भी कटा देते हैं कि नहीं। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग।